वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास एंड दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, इस चैप्टर का हेडिंग क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है, सबके लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सेल होता है. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर. चाहे वो हम लोग मल्टीसेलुलर, जो हजारों करोड़ों लाखों सेल, मतलब सेल से मिल के बने हुए हैं, ठीक है. और चाहे कितना भी सिंपल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले ले या फिर कॉम्प्लेक्स वाले को, सारे के बॉडी का जो और सारे का लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, उसे हम किसे कंसीडर करते हैं? सेल को हम लोग कंसीडर करते हैं. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. तो व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ? हाँ, ऐसे ही किसी चीज़ को हम अपने लाइफ के फंडामेंटल यूनिट थोड़ी बोल सकते हैं. कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी, कुछ ना कुछ खासियत होगा सेल के अंदर. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. बाकी किसी चीज़ को भी तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट कंसिडर नहीं कर रहे, वो भी अपने लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कंसिडर कर रहा है. तो सेल को हम अपने लाइफ का, पूरे लिविंग थिंग्स जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनके लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्या है वजह इसके पीछे? ठीक है, तो मोस्टली ये चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में. और वहाँ से हमें पता चलेगा कि व्हाई सेल इज नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, क्यों सेल को हम लोग अपनी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये सेल आया कहाँ से, कौन डिस्कवर किया सेल को? ठीक है, तो 1665 में, 1665, क्या बोलते हैं इसको, 1665 में एक अंकल आए जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट होक. ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया है. ये जो अंकल दिख रहा है उनका नाम है रॉबर्ट होक. ठीक है, इन्होंने 1665 के टाइम में, अभी से 2021 चल रहा है ना, माइनस कर लो कितना साल पहले. ठीक है, ये अंकल आए और उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया. आज इन्हीं का देन है कि पूरा सेल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं. अगर कोई सेल का डिस्कवर ही नहीं करता तो सेल चैप्टर हम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ते ना. तो आज इन्हीं की वजह से हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं. ठीक है, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट होक. इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. तो कैसे किया था? ऐसे सपने में थोड़ी आ गया होगा, कुछ ना कुछ किए होंगे तभी ना हुआ है. ऐसा थोड़ी हुआ कि रात में सोए सपना देखे कि हाँ ये सेल होता है और आके बता दिए कि ये सेल, मतलब ये सेल है. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ठीक है, इन्होंने कुछ किया था. क्या किया था वही हम लोग देखेंगे. ये फिगर में वो सारा रिप्रेजेंट हो रहा है. ये क्या गया, ये एक प्लांट के पास गए. ठीक है, प्लांट में क्या होता है, बार्क पता है ना, जो अपर वाला लेयर होता है एकदम बेजान सा प्लांट का बार्क. ठीक है, उसी के नीचे एक सेल मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क, CORK. ठीक है, इस बार्क के नीचे मिलता है. और कर्क क्या है? हमारा प्लांट सेल है. ठीक है, ये हमारे बॉडी में नहीं मिलेगा. अब तुम लोग अपने बॉडी में मत ढूंढने लगना कि कर्क कहाँ पे है. ये सिर्फ प्लांट के बॉडी में ही मिलता है. ठीक है, बार्क के जस्ट नीचे. ये क्या है? प्लांट सेल है. देखो क्या होता है यहाँ पे. अब ये गए जाके प्लांट के बाग के नीचे से ये वाला सेल लाए. सेल लाने के बाद सेल तो इतना छोटा होता है, ऐसे नेकेड आई से तो वो देख नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना. तो उन्होंने ये कर्क को माइक्रोस्कोप, जो दिख रहा है ना यहाँ पे माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप के नीचे वो कर्क सेल को उन्होंने
डाला, ठीक है। जैसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में इसका फिगर देखा, तो फिगर मैग्निफाइड फिगर दिखाता है ना माइक्रोस्कोप, छोटा छोटा चीज का भी, तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉक सेल था वो जस्ट मतलब हनीकॉम के जैसा रिजेंबल कर रहा था। इसका मतलब क्या है, वो मधुमक्खी, हनीकॉम मतलब क्या होता है, मधुमक्खी की छतरी। तो जैसे ही इन्होंने कॉक सेल के स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है, अंदर डाला, ठीक है, तो उन्हें कैसा फिगर दिखा, एक मधुमक्खी की छतरी के जैसा फिगर, मतलब फिगर दिखा। और मधुमक्खी की छतरी ऐसे ही ना होती है, स्मॉल 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 होल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉक स्लाइस माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक को ऐसा ही दिखा, सेम हनीकॉम के जैसा दिखा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हनीकॉम्ब। और इसी में ये जो लिटिल लिटिल स्पेस दिखा, जिसको उन्होंने क्या बोला, लिटिल रूम, ठीक है, इसी लिटिल रूम को उन्होंने सेल बोला। और इसी सेल के अंदर, इसी छोटे से रूम के अंदर हमारा लाइफ है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं जब तक उसके बॉडी में सेल ना हो। हाँ, ये डेस्क को हम लोग लिविंग कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सबसे पहला बेसिस क्या होगा कि सेल से थोड़ी बना हुआ है। हाँ, तो किसी भी चीज़ को हम लिविंग कंसिडर कब करते हैं, जब उसके बॉडी में, जब मतलब वो सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इन्होंने जब कॉक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो एकदम मधुमक्खी की छतरी के जैसा दिखा। तो मधुमक्खी की छतरी में ऐसा छोटा छोटा होल होता है, तो इसको इन्होंने क्या बोला, लिटिल रूम। और इसी को इन्होंने सेल से कंसिडर किया, बोला कि ये सेल है, ठीक है, और इसी सेल में हमारा पूरा लाइफ फंसा हुआ है। बिकॉज इस लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जितना भी एसेंशियल प्रोसेस हमारे बॉडी में हमेशा चलते रहता है वो सेल्स के अंदर ही होता है, ठीक है। प्लस ये जो स्ट्रक्चर है वो सब भी हमारा सेल ही प्रोवाइड करता है। तो एक स्टेप यहाँ पे हम लोगों ने मिस कर दिया था। अब ये सेल का डिस्कवरी इन्होंने कर लिया, ठीक है। और फिर ये जो सेल का डिस्कवरी किए थे, मतलब ये जो सेल को डिस्कवर किए थे, वो लिविंग सेल नहीं था, वो डेड सेल था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो कॉक सेल के हेल्प से जो सेल के डिस्कवरी किया था, वो हमारा लिविंग सेल नहीं था, वो हमारा डेड सेल था, ठीक है। तो इनके जस्ट बाद एक और अंकल आए, ठीक है, उनका मैं फिगर दिखा रही हूँ, देखो कितना स्मार्ट है, दिख रहा है ना, कर्ली कर्ली पूरा हेयर है, ऐसे कर्ली करवाने में बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। तो इनका नेचुरल होगा, तो ये फिर आए इनके जस्ट बाद, वो 1665 में अपना काम करके गए थे, ठीक है। तो 9 ईयर्स के जस्ट बाद हमारे दूसरे अंकल हैं, उनका नाम क्या है, लुइन हुक, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो डेड सेल पे काम किया था, डेड सेल को डिस्कवर किया था, और ये थोड़ा इनसे एक स्टेप आगे निकल गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट थे, एकदम कर ली इनका हेयर था। और इनका नाम था लुइन हुक, ठीक है। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो डेड पे काम नहीं करेंगे, ये तो लिविंग पे ही काम करेंगे, क्योंकि L फॉर लुइन हुक और L फॉर लिविंग, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नाम से ही पता चल जा रहा है कि भाई ये तो डेट पे काम नहीं करने वाले, क्योंकि इनका नाम का फर्स्ट वर्ड ही हमारा लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, L फॉर लिविंग। तो इन्होंने क्या किया है, लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। इनका नाम क्या है, लुइन हुक। और कब किया है, तो 1674 में किया है, ठीक है। और कैसे किया है, जो हमारे रॉबर्ट हुक अंकल थे वो क्या किए थे, वो प्लांट सेल के हेल्प से अपना डेड सेल को डिस्कवर किए थे। लेकिन ये वाले जो अंकल हैं, उन्होंने बोला कि तुम ये ज़मीन वाले, ठीक है, जो लैंड पे जो प्लांट है उस पे तुम अपना रिसर्च करते रहो, उसके बाग, उसके कॉक से सेल की डिस्कवरी करते रहो, हम कुछ अलग करेंगे। वो उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने एक्वेटिक मीडियम चूज़ किया। एक्वेटिक मीडियम क्या होता है, वाटर, ठीक है। उन्होंने पानी के अंदर से लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट में उन्होंने बहुत सारे प्रोटिस्टा, ये स्पर्म, इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे पानी लेके आए, ठीक है, उस पानी को स्लाइस पे डाले, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के
हेल्प से देखे तो उन्होंने देखा कि कुछ प्रोटिस्टा थे, कुछ ये स्पर्म टाइप्स का था, तो उन्होंने उसको क्या कंसिडर किया, उन्होंने बोला कि हाँ ये लिविंग सेल है, और उन्होंने ही लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रॉबर्ट हुक थे जो हमारे, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, उनके जस्ट बाद हमारे ये लुइन हुक अंकल आए और इन्होंने 1674 में हमारा लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और कैसे किया था, तो एक्वेटिक मीडियम यानी पानी की हेल्प से, वो पानी को लाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो उन्हें वो प्रोटिस्टा दिख गया, स्पर्म दिख गया, मतलब लिविंग सेल दिख गया। ठीक है, तो इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। गॉट इट? अब इन लोग के जस्ट रॉबर्ट हो, क्लोइन हो, कि लोग अपना काम कर रहे थे। ठीक है, ये लोग सेल के बारे में, कोई डेड सेल दिखा रहा था तो कोई लिविंग सेल दिखा रहा था। तब तक एक और अंकल आ गए, उनका नाम क्या है, प्रकिंस। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप लोग ऐसे ही सेल डिस्कवर करते रहो, कोई लिविंग सेल कर रहा तो कोई डेड सेल कर रहा है, क्या मजाक है, कोई इसके अंदर भी तो जाके देखो कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो इन्होंने हमारे क्या डिस्कवर किया, इन्होंने हमारा प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। ये लोग, ये जो थे, ये वाले अंकल थे, ये बोले कि तुम लोग ऐसे सेल डिस्कवर करो, कोई उसके अंदर झांक के नहीं देख रहा है कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो हम इसके अंदर झांक के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। और प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर ही होता है ना। सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का ही अल्टरनेट नाम, जैसे हम लोगों का नाम होता है, मैं बार बार बोलती हूँ घर का नाम, उस टाइप का नाम होता है ना, एक इंसान का दो दो नाम, वैसे ही साइटोप्लाज्म का भी नाम हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो हमारे अंकल थे, परकिंस अंकल, इन्होंने यही चीज़ डिस्कवर किया। इन्होंने सेल के अंदर झांका तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने हमारा प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। गॉट इट? इसमें किसी को कहीं से कोई कंफ्यूजन? अब देखो, सब लोग तो अपना काम कर ही रहे थे। रॉबर्ट हुक अपना काम करके चले गए, डेड सेल को फर्स्ट टाइम में सेल को डिस्कवर किए, डेड सेल डिस्कवर किए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम में सेल को वही डिस्कवर किए थे। लिविंग सेल तो बाद में ना डिस्कवर हुआ, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम में सेल को कौन डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट टाइम में तो सेल को रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था, चाहे वो डेड ही क्यों ना हो। ठीक है, और लिविंग सेल को कौन किया था, तो लुइन हुक ने किया था। प्रोटोप्लाज्म को कौन किया, तो परकिंस अंकल ने किया। अब ये लोग सब लोग अपना काम करके चले गए, तब आए हमारे रॉबर्ट हुक अंकल। ठीक है, वो बहुत एग्रेसिव रहते थे, ऐसे फिगर से पता चल रहा है कि बहुत एग्रेसिव मतलब था बहुत गुस्से में। उन्होंने बोला है कि ये सब कितना छोटा छोटा काम कर रहा है, कोई बोल रहा है डेड सेल को डिस्कवर किए, कोई बोल रहा है लिविंग सेल को डिस्कवर किए, कोई बोल रहा है कि प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किए। यार ये लोग सबसे यूनिक काम हम करेंगे, सबसे अलग काम हम करेंगे। और उन्होंने क्या किया, सेल का ब्रेन को डिस्कवर किए। ब्रेन क्या होता है सेल का, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल। और ये जो हमारे ये जो ब्राउनी अंकल है, जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, वो हमारे न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। न्यूक्लियस भी ब्राउन कलर का होता है, इनका नाम भी यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, तो ये अंकल हमारा ब्राउन चीज सेल के अंदर डिस्कवर किए, और वो हमारा क्या था, वो हमारा न्यूक्लियस था। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल के लिए, बिकॉज इट इज़ कंसीडर एज अ ब्रेन ऑफ सेल। जैसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ब्रेन है ना, हाँ, अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा तो फिर हम ठीक से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सेम चीज़ सेल के पास भी होता है, सेल का भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, बिकॉज इट इज़ अ ब्रेन ऑफ सेल। और इस न्यूक्लियस को हमारे ब्राउनी अंकल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसको ब्रेन हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, कभी रेस्पिरेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ना सेल के अंदर। तो ये रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, अगर इसको कोई कंट्रोल नहीं करता तो अच्छे ढंग से रिएक्शन हो पाता? अगर हमें हमारे पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं ना, बार बार डिस्ट्रैक्शन आएगी, बार बार कुछ होगा, इस टाइप्स की कंडीशन मिलता है ना फेस करने को। तो अगर ये न्यूक्लियस नहीं होता तो सारे केमिकल रिएक्शन अच्छे से नहीं होते ना। तो ये हमारे सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसे ही हम कंसिडर करते हैं ब्रेन ऑफ सेल। गॉट इट?
सर आपसे ये कोई क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द रिएक्शन व्हिच इज ऑकर इनसाइड अ सेल. गॉट इट? तो अब ये चार अंकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. एक डेड सेल वाले थे, एक लिविंग सेल वाले थे, एक प्रोटोप्लाज्म वाले थे और एक हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो न्यूक्लियस था उनके लिए थे, वो थे हमारे ब्राउनी अंकल. ठीक है, अब इन चारों का काम खत्म. अब ये चारों का जो रोल था वो चला गया. अब इसी टाइम में अलग अलग जगह पे अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें नया नया चीज मिला था, सेल मिला था. तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते हैं, उस पर जरूर फोकस करते हैं. कोई अपना कुछ दिखाना चाहता था, कोई अपना दिखाना चाहता था, कोई कुछ और डिस्कवर करके दिया, कोई कुछ और डिस्कवर करके दिया. तो उसी टाइम में अलग अलग जगह पे दो तीन साइंटिस्ट काम कर रहे थे. ठीक है, सेल पे काम कर रहे थे और जैसे उन्होंने सेल पे काम करते करते उन्होंने सेल थ्योरी दिया. ठीक है, तो कौन कौन से साइंटिस्ट उस सेल पे काम कर रहे थे? तो एक हमारे थे ये मैथ्यू एस्क्लेडिन. ठीक है, ये कौन से फील्ड से थे? ये बोटनिस्ट फील्ड से थे. बोटनी का मतलब पता है ना, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, हाँ, जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो ये जो हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? मैथ्यू एस्क्लेडिन. ठीक है, ये हमारे बोटनिस्ट थे और इनके नाम से ही झलक रहा है. मैथी क्या होता है? प्लांट ही होता है ना, मेथी, जो हम लोग घर में वेजिटेबल्स कुक करने में यूज करते हैं. ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट ही होता है. तो नाम से ही झलक रहा है कि भाई प्लांट से रिलेटेड है. प्लांट से रिलेटेड है मतलब कौन से फील्ड से है? बोटनी से है. ठीक है, और ये जब बोटनी से है तो ये हमेशा प्लांट के बारे में ही बोलेंगे, एनिमल्स के बारे में तो नहीं बोलेंगे ना. हाँ, ये अपने ही फील्ड से बोलेंगे, दूसरे के फील्ड में तो नहीं जाएंगे. तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमारा क्या था? मैथ्यू एस्क्लेडिन, जो कि हमारा बोटनिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट हमारा है वो सारा सेल से बना हुआ है. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल को डिस्कवर कौन किया? सेल के अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को डिस्कवर कौन किया? अभी ये वाले साइंटिस्ट हमारा बता रहे हैं कि जितने भी हमारे प्लांट जो हम लोग देखते हैं वो और कुछ नहीं, वो सिर्फ सेल से ही बना हुआ है. ठीक है, और इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे जब तक इनका नाम याद रहेगा. जैसे मैथ्यू एस्क्लेडिन आएगा, मैथ्यू प्लांट होता है तो बोटनी से होंगे और प्लांट के बारे में ही बोलेंगे. और सेल थ्योरी में क्या बोल सकते हैं? सेल के बारे में ही ना बोलेंगे. तो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, यही बस इन्होंने स्टेटमेंट दिया था. ठीक है, सेल थ्योरी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. गॉट इट? फिर यहीं पे हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? ये शावन. ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो एनिमल्स एक होता है शावन, बर्ड्स टाइप का होता है ना, उसको वो एनिमल ही है ना. हाँ, तो उन्होंने तो ये इनके नाम से ही यहाँ पे झलक रहा है कि भाई ये एनिमल से रिलेटेड है, मतलब ये जूलॉजिस्ट है. तो ये किस फील्ड से थे? ये हमारे जूलॉजिस्ट फील्ड से थे. अब जूलॉजिस्ट फील्ड से हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि एनिमल से रिलेटेड नाम ही है. ठीक है, सावन बर्ड्स होता है, एनिमल से होता है तो एनिमल से रिलेटेड नाम ही है. तो ऑफ कोर्स ये किसके फील्ड में काम करेंगे, किस पे काम करेंगे? एनिमल्स पे ही ना काम करेंगे. तो ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट दिए कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, मतलब सेल थ्योरी में हमारे दो तीन साइंटिस्ट आए. जो दो साइंटिस्ट आए, एक फर्स्ट साइंटिस्ट आए वो हमारे बोटनी फील्ड से थे. ठीक है, मतलब प्लांट व्लांट के, बोटनी मतलब क्या होता है? प्लांट के बारे में जो स्टडी करता है उसी को ना हम लोग बोटनिस्ट बोलते हैं. तो ये बोटनी फील्ड से थे और इनके नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ये प्लांट से ही रिलेटेड है. तो इन्होंने प्लांट के बारे में बोला, इन्होंने बोला कि सारे प्लांट हमारा सेल से बना हुआ है. ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनके नाम से ही पता चल रहा है, शावन उनका नाम है. ठीक है, तो उससे ही पता चल रहा है कि एनिमल से रिलेटेड है, बिकॉज शावन एक बर्ड्स होता है. तो ये एनिमल्स के बारे में बोलेंगे, तो इन्होंने बोला कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो दो स्टेटमेंट यहाँ से हमें मिल गया. एक ने बोला कि प्लांट्स के
हर्मिडोफॉक्सिल और एक ने बोला एनिमल्स हर्मिडोफॉक्सिल। तो इससे ओवरऑल हमारे अर्थ पे प्लांट और एनिमल्स ही ना प्रेजेंट है। तो ओवरऑल हम लोग हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे हमारे सेल से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आया, एक और क्वेश्चन एराइज हुआ, ये सेल आया कहाँ से? हाँ, आया तो आया कहाँ से? भगवान जी ऐसे सेल नहीं ना भेजे हैं। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, इतना छोटा होता है, ठीक है, तो उसके बॉडी में थोड़ा कम सेल होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसका सेल भी तो डिवाइड होता है, हाइट इंक्रीज करने के लिए सेल का भी तो डिवीजन होता है, सेल भी तो डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट सेल है वो हमारा, वो आया कहाँ से? अब इसके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन अराइज होने लगा कि जो सेल है वो आया कहाँ से। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि चलो आपने तो बोल दिया कि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ये सेल आया कहाँ से है? भगवान जी को तो ये साइंटिस्ट मानते नहीं हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि भगवान जी ऐड करते रहते हैं हमारे बॉडी में सेल टाइम टू टाइम, ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। तो अब ये सेल कहाँ से आया, इनको ये वाला आंसर चाहिए था। तो ये जो हमारे बिरचो है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये सेल कहाँ से आया, इसको कोई एक्सप्लेन किया है? नहीं किया है ना, तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया और इन्होंने क्या बोला, ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में जो नया नया ऐड होते रहता है वो पहले के सेल से आता है, ठीक है। इन्होंने इसको बहुत मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज में बोला था, ओमनिज सेलुला ई सेलुला, ओमनिज सेलुला ई सेलुला, इसका कुछ मतलब होता है, इसका मतलब बस यही होता है कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो अंकल है वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये सेल जो टाइम टू टाइम हमारे बॉडी में बढ़ रहा है, हम जैसे जैसे ग्रोथ मतलब जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो कर रहा है, तो ये इसको ऐसे ही भगवान से ऐड नहीं करते हैं, ये सारा सेल पहले के सेल से आता है। तो हमें पता है ना कि अगर हमारे बॉडी में एक सेल होता है, जैसे कि अगर जब बेबी माँ के यूथरस के अंदर होता है, तो जब फर्स्ट टाइम में एक ही सेल होता है ना, वही सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, फिर बेबी का बर्थ होता है, जब पूरा ऑर्गेन अच्छा से डेवलप हो जाता है 9 मंथ के अंदर। हाँ, तो एक ही सेल से ना पूरा सेल आया है, तो वैसे ही वो एक ही सेल से कैसे आता है, जैसे ये सेल डिवाइड होगा, सेल हुआ, ये डिवाइड हुआ, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना कि एक सेल से यहाँ पे 4 सेल हो गया। हाँ, तो जो नया नया सेल है वो कहाँ से आ रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है ना। तो बस ये यही बात बोले कि जितने भी हमारे सेल्स जो ऐड हो रहे हैं वो कहीं से नहीं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी में हमें क्या क्या देखने को मिला, 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, एक था एस्क्लेडिन का, दूसरा सावन का और तीसरा ये था बिरचो का, ठीक है, रोडोल्फो बिरचो का। एक ने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ ऑफ सेल, एक ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ ऑफ सेल, ओवरऑल कंक्लूजन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ऑफ सेल। अब ये सेल कौन कहाँ से आता है, तो ये सारे सेल्स हमारे प्री एग्जिस्टिंग, ऑल सेल्स कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, बस यही 3 स्टेटमेंट है हमारे सेल थ्योरी के अंदर। गॉट इट? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आते हैं, क्लास 7 में ही हम लोग सेल का डिफिनेशन देखे थे, सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी बोला जाता है ना। तो व्हाई सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, क्यों हम लोग सेल को अपनी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट प्लस फंक्शनल यूनिट दोनों बोलते हैं, सेल ऐसा क्या करता है हमारी बॉडी में? तो देखो सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, तो इसको तुम लोग इस वाले एग्जांपल से समझ सकते हो, जो दीवार दिख रहा है सामने, दिख रहा है ना, एक एक ईटा से बना हुआ है, एक एक ब्रिक से बना हुआ है, तो इस दीवार का स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रिक बोल सकते हैं ना, बिकॉज एक एक ब्रिक से ही पूरा वॉल बना हुआ है। तो यही बात सेम हमारे बॉडी में भी एप्लीकेबल है, हमारा बॉडी भी, ये जो पूरा बॉडी हमारा जो दिख रहा है अभी, वो सारे एक एक सेल से बना हुआ है, जैसे ये पूरा दीवार एक एक ब्रिक से बना हुआ है, सेम वैसे ही हमारा बॉडी भी पूरा एक एक सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो
अब ये एक एक सेल से बना हुआ है तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल ही ना कर रहा है, इस वॉल का स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्रेक ही ना कर रहा है। तो जब सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है तो सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। दैट्स वाई सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स and this is the reason behind it, got it? उसके बाद से इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट क्लियर हो गया, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। लेकिन अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, ये कौन सा फंक्शन में हेल्प करता है? तो पता है ना, क्लास सेवन में भी रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़े होंगे, वहाँ पे सेल रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्या किया गया है कि सेल होता है, इसी सेल में हमारा डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज जाता है, ठीक है, C6H12O6। एक मिनट, अच्छे से लिख दे इसको। जैसे कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। इसी सेल के अंदर हमारा डाइजेस्टेड फूड C6H12O6, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, वो रहता है। और फिर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है सेल में, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करके हमारा ATP बनाता है एनर्जी, और इसी एनर्जी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, ये सारे रिएक्शन सेल के अंदर ही होता है ना, तो सारा काम सेल के ही अंदर हो रहा है ना। तो जहाँ पे काम होगा उसी को ना फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ पे कोई काम हो रहा है वही वाले यूनिट को ना हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। तो देखो यही लिखे हम यहाँ पे, स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, और फंक्शनल यूनिट बिकॉज एवरी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हियर। जितना भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है वो सब हमारे सेल्स के ही अंदर होते हैं, गॉट इट। तो ये क्लियर हो गया ना कि व्हाई सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। एंड ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ऑल द केमिकल रिएक्शन विच इज ऑकर इनसाइड आवर बॉडी इज टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, गॉट इट। तो इसमें अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब जो जितना डाउट है तुम लोगों का वो तुम लोग आज मेरे से पूछ लो, उसके बाद से नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग यूनिसेलुलर, मतलब अब ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ होता है, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारा सेल से बना हुआ है, तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोगों ने ये ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए हैं। किसी को हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं और किसी को हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर, ये वाला जो पार्ट है हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे, कल के क्लास में कवर करेंगे। अब जहाँ तक मैंने कवर किया है वहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। फर्स्ट स्लाइड से लेके अभी तक, हाँ स्टार्टिंग है, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज से डाउट मत रखना मन में, जो भी है वो पूछ लो अभी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, व्हाट डू वांट टू से अल्ट्रा स्ट्रक्चर? व्हाट अल्ट्रा स्ट्रक्चर? सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये क्या होता है? अच्छे से देख के पूछो। प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होता है, जैसे इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग मोनरा, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट ऐसे करके हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो हमारा यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक्स होता है। जितने भी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।